गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द AIS द गुरुकुल इन फिफ्थ क्लास। टुडे वी स्टडी हिंदी चैप्टर फाइव ओणम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4 लेसन कंप्लीट कर लिए थे, उसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व कर लिया था। आज हम इस लेसन के 5 लेसन का ओणम है उस लेसन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ओपन योर बुक पेज नंबर 24। देखिए, हमारे देश के दक्षिणी भाग में एक राज्य है केरल। हमारे देश के दक्षिण की ओर क्या एक राज्य बसा हुआ है? केरल। केरल और ओणम इसी राज्य का क्या है? प्रमुख त्यौहार है। केरल क्या, केरल राज्य का क्या है? ओणम क्या है? प्रमुख पर्व है, त्यौहार है। ठीक है, ये त्यौहार सावन ठीक है मास में मनाया जाता है। ठीक है, सावन मास को मलयालम भाषा में चिंग मासम कहा जाता है। सावन जो मास होता है को मलयालम भाषा में क्या कहा जाता है? चिंग मासम। अंडरलाइन कर लो ये बात को, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे देखिए, मलयालम केरल भाषा की जनभाषा है। तो केरल की क्या है? मलयालम जनभाषा है, या जनता द्वारा, जनभाषा यानी जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, जनभाषा का पीछे दे रखा है बोलचाल की भाषा, जो आम लोग वहाँ के रहने वाले यूज करते हैं, ठीक है, उपयोग लेते हैं बोलने में। आगे देखिए, ओणम उल्लास और समृद्धि का त्यौहार है। उल्लास का अर्थ क्या होता है? खुशी। ठीक है, और समृद्धि यानी जो भी दे रखा है, खुशहाली संपन्नता का त्यौहार है। यानी ओणम एक तरह का खुशहाली का त्यौहार है। ओणम त्यौहार मनाने के विषय में एक कथा प्रचलित है। क्या कथा प्रचलित है? देखिए, कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि किसी समय केरल क्षेत्र में महाबली नामक राजा राज्य करते थे। केरल क्षेत्र में एक महाबली नामक राजा है, वो क्या करते थे? राज्य करते थे, यानी उनका ही शासन था। वे बहुत शक्तिशाली राजा थे। वो क्या थे? बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा थे, मजबूत शक्तिशाली राजा थे। उनकी राजधानी महाबलीपुरम थी। उनकी राजधानी क्या थी? महाबलीपुरम। वे भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, यानी जो प्रहलाद थे उनके क्या थे? वह पौत्र थे, यानी पुत्र का पुत्र। पौत्र यानी जो दादाजी होते, पुत्र का पुत्र। आगे देखिए, वह मतलब वह बहुत शक्तिशाली थे। उनकी राजधानी क्या थी? महाबलीपुरम। और वह भक्त पौलाद के पौत्र, प्रहलाद के पौत्र थे, और उन्हीं की तरह ही धार्मिक स्वभाव के थे। यानी जो भक्त प्रहलाद जी हैं उनकी तरह ही वह क्या थे? धार्मिक स्वभाव के थे। ठीक है, पृथ्वी आकाश और पाताल पर उन्हीं का राज्य था। पृथ्वी पर आकाश और पाताल से लेकर क्या था? उन्हीं का ही राज्य था। देवताओं को महाबली का इतना शक्तिशाली होना पसंद नहीं था। यानी जो देवता लोग थे उनको जो महाबली थे उनका इतना शक्ति से रहना पसंद नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, उनका राज्य इंद्र सदैव इस बात से भयभीत रहता था। उनका राजा इंद्र है जो सदैव इस बात से डरा हुआ रहता था कि कहीं महाबली उसका सिंहासन ना छीन ले। यानी जो महाबली हैं इतने शक्तिशाली राजा हुआ करते हैं, कहीं वह हमारा सिंहासन नहीं छीन ले। ये किसको रहता था डर? हमेशा इंद्र को। ठीक है, आगे देखिए, वे दूसरे देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए। जो राजा इंद्र थे वो क्या गए? दूसरे देवता जो और भी देवता लोग थे उनके साथ मिलकर जो भगवान विष्णु के पास गए। ठीक है, और उनसे प्रार्थना की। और उनसे क्या प्रार्थना की? देखिए, प्रभु राजा महाबली के शासन से देवताओं को मुक्त कराइए। जो राजा हैं हम लोगों को जो महाबली हैं उनके जो शासन है उनसे हमें सबको मुक्त कराइए। आगे देखिए, विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करके भेजा, यानी जिसे समझा कर भेजा, पर महाबली को युद्ध में हारना आसान नहीं है। जो महाबली हैं उनको युद्ध में हराना आसान नहीं है। काफी सोच विचार करने के बाद विष्णु को क्या हुआ है? एक उपाय सूझा। ठीक है, यानी पहले तो उसने बहुत सोच विचार करके उसको जैसे तैसे भेज दिया। फिर उसके मन में एक आइडिया आया कि महाबली को हराना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन विष्णु भगवान हैं, उनके मन में एक आइडिया आया, एक उपाय सूझा। महाबली बहुत बड़े दानी हैं। यानी जो महाबली हैं वो क्या हैं? बहुत बड़े दानी हैं, यानी दान करते हैं। कोई याचक उनके द्वार से खाली नहीं लौटता। ठीक है, कोई भी याचक है यानी मांगने वाला, भिक्षा लेने वाला, उनके द्वार से यानी उनके जो द्वार होते हैं
हैं उनके घर से खाली नहीं लौटता है उनके राज्य से। विष्णु ने वामन बोने रूप का धारण किया। विष्णु ने क्या किया? बोने का रूप धारण किया वामन का, और महाबली के द्वार पर जाकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। और क्या कहा? महाबली के द्वार पर गया, जो राज्य शासन करते थे वहाँ पे गया, केरल क्षेत्र में महाबली जो राजा थे, राज्य करते थे, उनके वहाँ गया, उनके द्वार पे गया और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, यानी मांगने के लिए आवाज़ लगाई। महाबली याचक की पुकार सुनकर द्वार पे आए, जो विष्णु भगवान थे याचक यहाँ पे, ठीक है, वही हैं जो याचक मांगने आए थे। तो याचक की पुकार सुनकर द्वार पे आए और उनसे दान में मांगने को कहा कि बोलो तुम क्या मांगने आए हो। याचक वामन ने वापस कहा, राजन मुझे वचन चाहिए, राजा जी मुझे वचन चाहिए कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे दे देंगे। यानी उसने कहा कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे दे देंगे, मुझे ये वचन चाहिए, ठीक है। अवश्य, महाबली ने कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दे दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, महाबली ने आश्चर्य से उस वामन को देखा। पहले तो महाबली ने क्या किया? आश्चर्य, यानी आश्चर्य का अर्थ होता है जो भी, मतलब एकदम अटपटांग से देखा उसको, आश्चर्य से देखा, हैरानी से उसको देखा। जो वामन आया था, वामन कौन? विष्णु, ठीक है। कहा और कहा कि जहाँ भी 3 पग भूमि पसंद हो नाप कर ले लो। वामन ने कहा राजन मुझे तपस्या करने के लिए क्या चाहिए? 3 पग की भूमि दे दीजिए। फिर महाबली ने जो वामन था उसे आश्चर्य से देखा, यानी हैरानी से देखा, और फिर कहा कि उसे जहाँ भी 3 पग भूमि पसंद हो नाप कर ले लो, यानी तुम्हें जहाँ पर भी 3 पग की भूमि पसंद हो वो अपने आप नाप कर ले लो। आगे देखिए, अब विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया। विष्णु ने क्या किया है? विराट यानी बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। उन्होंने 1 पग में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग में सारा आकाश नाप लिया। उन्होंने क्या किया? 1 पग में तो 3 पग मांगे थे, उन्होंने 1 पग में तो संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में संपूर्ण जो आकाश नाप लिया। अब फिर उन्होंने महाबली से पूछा, राजन तीसरा पग कहाँ रखूँ मैं, तीसरा पग कहाँ नापूँ? महाबली वचन के पक्के थे, वो अपने वचन से कभी नहीं हटते थे, अटल थे। उन्होंने विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया और क्या कहा? उन्होंने जो विष्णु थे या वामन थे उनके सामने अपना सिर झुका दिया और बोले, प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पे रख दीजिए, यानी आप तो तीसरा जो पग है वो मेरे सिर पे रख दीजिए, मेरे सिर से नाप लीजिए। महाबली की दान वीरता से विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। महाबली की जो इतनी वीरता थी, इससे जो विष्णु हैं वो बहुत खुश हुए। उन्होंने महाबली को पाताल लोक का राजा बना दिया, और महाबली को क्या किया है? पाताल लोक का राजा बना दिया। महाबली को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। महाबली को क्या था? अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। प्रजा यानी जो नीचे शासन करती हैं, राजा के नीचे जो शासन करती है, प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए थे। उन्होंने क्या किया था? प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए थे। वे प्रजा को अपनी संतान मानते थे, यानी प्रजा को क्या मानते थे? अपनी संतान। इसलिए उन्होंने विष्णु से वर्ष में 1 बार केरल आकर प्रजा को क्या मानते थे? अपनी संतान। इसलिए उन्होंने विष्णु से 1 बार केरल आकर अपनी प्रजा देखने की अनुमति मांगी, और विष्णु से कहा महाबली ने कि एक बार आप केरल आकर अपनी हमारी प्रजा को देखने की मुझे अनुमति दें, ठीक है। आगे देखिए, अनुमति दें। विष्णु उसकी प्रजा वत्सल्य से बहुत प्रभावित हुए, यानी जो विष्णु भगवान थे उनकी प्रजा वत्सल्यता से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने उसकी अनुमति दे दी। और उन्होंने क्या किया है? और उसकी अनुमति दे दी, यानी विष्णु भगवान के इतने स्नेह से, महाबली के इतने स्नेह से जो विष्णु भगवान है बहुत प्रभावित हुए हैं, और उन्होंने उनकी उसे अनुमति दे दी है, ठीक है। आगे देखिए, केरल के निवासियों का विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा की श्रमृति और सुख को देखने और प्रजा से मिलने के लिए केरल आते हैं। केरल के निवासियों का विश्वास है कि तब से ही जो महाबली हैं हर वर्ष अपनी प्रजा की श्रमृति और सुख को देखने और प्रजा से मिलने के लिए क्या करते हैं? केरल आते हैं। केरल के लोग अपने राजा के स्वागत के लिए अपने घरों को सजाते हैं, और केरल के लोग क्या करते हैं?
अपने घरों को सजाते हैं जब महाबली आते हैं। रात में दीपकों का प्रकाश करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। यही ओणम का त्यौहार है। ठीक है, ओणम का त्यौहार लगातार 5 दिन तक मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार कितने दिन तक? 5 दिन तक मनाया जाता है। इसका दूसरा दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तिरु ओणम कहा जाता है। इसका दूसरा दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसको क्या कहा जाता है? तिरु ओणम। पहले दिन सभी लोग अपने घरों की पुताई, झाड़ पोछ और आसपास की पुताई करते हैं। फर्स्ट दिन तो सब लोग अपनी घरों के आसपास पुताई झाड़ पोछ करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की सुंदर गोलाकार आकृतियाँ बनाई जाती है। रंग बिरंगी फूलों की आकृतियाँ बनाई जाती है, जिन्हें पुलकम कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? पुलकम। ठीक है, इनसे लोग अपने घरों के आंगन को सजाते हैं। जो जो रंग बिरंगे गोलाकार फूलों की आकृतियाँ बनाई जाती है, उससे क्या करते हैं? लोग अपने घरों को सजाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पुक्कलम। पुक्कलम कहा जाता है। इनसे लोग अपने घरों को क्या है? घर के आंगन को सजाते हैं। घर के बालक बालिकाएं और स्त्रियां मिलजुल कर फूलों की ये सुंदर सजावट करते हैं। घर के बालक जो बालिकाएं हैं वो फूलों की ये सुंदर सजावट करते हैं। पुक्कलम के पास दीप रखकर देवता की पूजा की जाती है। पुक्कलम के पास जो जिन्हें पुकलम यानी गोलाकार फूलों की जो आकृतियाँ बनाई जाती है, उसी को जो देवता के पास रखकर उसके पास दीपक रखकर और पूजा देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, ओणम के त्यौहार पे कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। ओणम के त्यौहार पे कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उपेरी, पायसम आदि मुख्य हैं। जिनमें स्वादिष्ट पदार्थ यही हैं, चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उपेरी और पायसम। केरल में मुख्य रूप से धान, नारियल और केले की खेती होती है। केरल में मुख्य रूप से किसकी खेती होती है? धान और नारियल केले की खेती। ठीक है, इसे भोजन बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। भोजन बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। केरल के लोग चाहे जहाँ हों, ओणम के अवसर पर अपने घर लौट के आते हैं। यानी केरल के रहने वाले लोग हैं, कहीं पर भी हों, लेकिन जब ओणम का त्यौहार आता है तो वो अपने घर की ओर लौट आते हैं। वे अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तिरु ओणम के दिन सभी लोग साफ सुथरा और बहुधा नए कपड़े पहनते हैं। यानी हमारे यहाँ पे जो ईद और दीपावली मनाई जाती है बड़े त्यौहार, वैसे ही वहाँ पे केरल में ओणम मनाया जाता है। दोपहर के समय घर के सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। दोपहर यानी आफ्टरनून में सभी लोग अपने साथ बैठकर एक साथ बैठकर जो केले के पत्ते होते हैं, केले फ्रूट होता है, बनाना के जो पत्ते होते हैं उस पर बैठकर उस पर रखकर भोजन करते हैं। केरल के लोग केले के पत्ते पर भोजन करना बहुत पवित्र मानते हैं। वो क्या मानते हैं? कि हम केले के जो पत्ते पर भोजन करेंगे वह बहुत पवित्र है, ये केरल के लोग मानते हैं। ओणम के अवसर पर लोग तरह तरह के खेलों में भाग लेते हैं। ओणम के अवसर पर लोग क्या करते हैं? तरह तरह के खेलों में भाग लेते हैं। गाँव गाँव और नगर नगर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यानी गांव गांव और नगर नगर यानी अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में क्या क्या खेल का प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नदियों और समुद्र के निकट रहने वाले लोग नौका दौड़ में भाग लेते हैं। अधिकतर जो नदियों और समुद्र के किनारों पर जो लोग रहते हैं वह नाव की दौड़ में भाग लेते हैं। नौका दौड़ का दृश्य क्या होता है? बड़ा ही आकर्षक होता है, यानी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता भी इसी अवसर पर होती है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता है, इसी के अवसर पर होती है। यह नौका दौड़ की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। ये क्या है? नौका दौड़ की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। ठीक है, नौका की दौड़ होती है, उसमें सबसे बड़ी प्रतियोगिता है नेहरू ट्रॉफी पाना। ठीक है, इसे हासिल करना जीत कर। बालिकाएं और स्त्रियां इस अवसर पर ताली बजाते हुए नृत्य करती। बालिकाएं और स्त्रियां हैं हमारे यहाँ पर जो घूमर होता है राजस्थान में, उसी तरीके से वहाँ के लोग नृत्य करती हैं ताली बजाते हुए। इस नृत्य को केको टिटली नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को क्या कहा जाता है? केको टिटली नृत्य कहा जाता है। ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ये केरल का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, इस नृत्य के द्वारा महापुरुषों और वीरांगनाओं की गाथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य के द्वारा क्या किया जाता है? महापुरुषों और वीरांगनाओं, जो वीरांगना का अर्थ यहाँ पे वीर स्त्री यानी वीर स्त्री महापुरुषों, बड़ी बड़ी वीर स्त्रियों द्वारा गाथाओं का प्रदर्शन यानी गाकर भी उसका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ओणम के अवसर पर केरल में पर्यटकों की बड़ी भीड़ लग जाती है। यानी बार बार से लोग बहुत आते हैं देखने के लिए। केरल की राजधानी में खूब चहल पहल रहती है। केरल की राजधानी है महाबलीपुरम, सॉरी केरल की राजधानी हमने पढ़ा था अभी, कौन सी है?
केरल की राजधानी में ये त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आगे देखिए, नगर का वातावरण वसंत ऋतु की तरह खिला रहता है और जो नगर होते हैं वहाँ के, वहाँ पे ऐसा लगता है कोई वसंत ऋतु आ गई है। इस टाइप का सुहाना लुभावना मौसम होता है और तरह तरह के खिला रहता है, चारों तरफ से इतना खुशनुमा माहौल होता है। आगे देखिए, ओणम पारिवारिक मिलन और पारस्परिक स्नेहों का त्यौहार है। ओणम क्या है? पारिवारिक आपसी मिलन और पारस्परिक सहयोग का त्यौहार है। आगे देखिए, ये हमें भाईचारे, एकता, उल्लास, सुख समृद्धि का संदेश देता है। ये हमें काय का संदेश देता है? एकता, भाईचारे, सुख समृद्धि का संदेश देता है। आप इस वीडियो में इस लेसन स्टडी किया हमने और इसके आप एक बार जो पेज नंबर आपके शब्दार्थ दे रहे हैं 26 पे, इसको आपने नोटबुक में कर लीजिएगा। जैसे कि एक बार मैं पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिए बुक में पेज नंबर 26 पे दे रखा आपके। फर्स्ट में दे रखा त्यौहार यानी पर्व, सेकंड में उल्लास खुशी, पोत्र यानी पुत्र का पुत्र, याचक यानी मांगने वाला, आश्चर्य यानी हैरानी, हित यानी लाभ, वशलता यानी स्नेह, बहुधा यानी अक्सर, वीरांगना यानी वीर स्त्री, पारस्परिक यानी आपसी, जन भाषा यानी बोलचाल की भाषा, समृद्धि यानी खुशहाली या संपन्नता, भयभीत यानी डरा हुआ, पग यानी कदम, विराट यानी बहुत बड़ा, अनुमति यानी स्वीकृति या इजाजत, अवसर यानी मौका, प्रतियोगिता यानी मुकाबला, पर्यटक यानी भ्रमण करने वाला और सहयोग यानी सहायता। ये सभी शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। थैंक यू।